हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पटेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के सिलेबस के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आवेदन तिथि की बात करेंगे, लास्ट डेट की बात करेंगे और फीस की बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं परीक्षा मोड की। तो इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। हाई स्कूल स्तर तक मानी 10th क्लास तक के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी एग्ज़ाम होगी, यानी कि MCQ, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 200 रहेगी, ठीक है, और कुल अंक इसमें 200 रहेंगे और कुल समय आपको मिलेगा 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके रिक्वायरमेंट की, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो एग्ज़ाम निकली हुई है वो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के लिए निकली हुई है, ठीक है। पद का नाम क्या है, पटवारी व अन्य पदों के लिए निकली है, ठीक है। कुल पदों की संख्या 9073 पद है इसमें, और शैक्षणिक योग्यता इसमें मांग रखी है डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, प्लस CPCT, ठीक है। CPCT अनिवार्य MP पटवारी में नहीं है, लेकिन आपको तब अनिवार्य होगा जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको 3 वर्ष के अंदर अंदर, ठीक है, CPCT एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, ठीक है। बाकी की CPCT अन्य पदों के लिए, ठीक है, CPCT अन्य पदों के लिए अनिवार्य होगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, 2 फॉर्म फिल नहीं करना है, पटवारी और अन्य पदों की एक ही फॉर्म फिल होगा। अब इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 5/1/2023, यानी कि 5 जनवरी 2023 से, यानी कि आज से ही शुरुआत हुई है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इसकी 19 जनवरी 2023, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2023 है, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर्म में संशोधन करने की तिथि, यानी कि आपके द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में, तो आप उसमें संशोधन कब तक कर सकते हैं, 24 जनवरी 2023 तक। अगर हम बात करते हैं इसके परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा तिथि जो है 15 मार्च 2023 को इसमें निर्धारित करी हुई है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या लग रहा है। तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, ठीक है, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर लगेगा आपका, अंगूठे का निशान, थंब का निशान लगेगा, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि है तो, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपका है तो, और शैक्षणिक योग्यता अगर आपकी मार्कशीट आपको लगेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं EWS की, तो अगर आपके पास EWS है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फीस की। तो सामान्य वर्ग के लिए 560 रुपये हैं, ठीक है, 500 रुपये आपको उम्मीदवारों को लगेंगे जनरल कैटेगरी को, प्लस 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज लगेगा, ठीक है। तो टोटल होगा 560। ST/ST OBC के लिए 310 रुपये लगेंगे और सीधी भर्ती वालों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगर हम बात करें इसके पाठ्यक्रम की, तो मध्य प्रदेश में जो MP पटवारी का जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया गया, और बदलाव हमने देखा है इसको पार्ट ए और पार्ट बी में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, यानी कि बांट रखा है। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान रहेगा, ठीक है, अंग्रेजी रहेगा और हिंदी रहेगा और गणित रहेगा, यानी कि साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स रहेगा, ठीक है। इनका जो अंक उन्होंने पहले से निर्धारित कर रखे हैं कि आपको विज्ञान 25 नंबर का पूछा जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, सामान्य विज्ञान की बात करें यानी कि आपके दैनिक जीवन में होने वाली जो 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी साइंस है वही पूछा जाएगा, ज़्यादा हाई साइंस नहीं पूछा जाएगा। अंग्रेजी की बात करें तो सामान्य अंग्रेजी की बात रहेगी, 25 नंबर का पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी भी 25 का पूछा जाएगा और गणित भी 25 का पूछा जाएगा। कुल अंक जो पार्ट ए में रहेंगे वो 100 अंक का रहेगा, ठीक है। और पार्ट बी की भी बात करें तो कंप्यूटर ज्ञान रहेगा इसमें, सामान्य ज्ञान, ठीक है, 25 नंबर का पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान यानी कि GK GS रहेगा, ठीक है, जिसमें MP का भी आपको पढ़ना है, 25 का रहेगा। और सामान्य तर्क क्षमता यानी कि रीजनिंग रहेगा 25 नंबर का, और सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ये भी 25 का रहेगा। तो कुल अंक इसके 100 नंबर का पूछा जाएगा आपको, ये दोनों मिल के आपको पूछा जाएगा 200 नंबर का, ठीक है, 200 प्रश्न होंगे, ठीक है, आपको इसमें। अब इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, ठीक है, तो अब हम इसके पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो कटाव जो निर्धारित होगा MP पटवारी का, ठीक है, तो वो जनरल कैटेगरी का 50% पे होगा, EWS के 40% पे निर्धारित होगा,
ओबीसी के लिए 40 और एसटी एससी के लिए 40% पे इसका कट ऑफ निर्धारित होगा। परीक्षा की जो पद्धति है वो ऑनलाइन होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का आपका ठीक है समय अवधि रहेगी, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों भाषाओं में नकारात्मक अंकन नहीं है यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी बुक लिस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। ठीक है, सामान्य विज्ञान की आप चाहे तो ल्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो आप ल्यूशन पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको कम समय में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप सामान्य विज्ञान की दृष्टि की ले सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो रेलवे स्पीडी की भी सामान्य विज्ञान ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपके पास समय कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप स्पीडी लीजिए, क्योंकि इसमें 1992 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन अब तक जो साइंस के पूछे गए हैं, जो बनते हैं, वो बताया गया हुआ है। ठीक है, आप इस बुक के साथ इस बुक को पढ़ सकते हैं या फिर इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। ये बुक तो आपको लेना ही है, ठीक है, पढ़ने के लिए, ताकि आपका साइंस का जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपके 25 नंबर कहीं ना जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके, अब सामान्य विज्ञान के जो टॉपिक है उसमें होगा जीव विज्ञान रहेगा, रसायन विज्ञान रहेगा ये, और भौतिक विज्ञान यानी कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा। ये कुछ टॉपिक है जैसे कोशिका होगा, जीवों का वर्गीकरण हो गया, ऊतक हो गया, पोषण हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, विटामिन ठीक है हो गए, फिर उसके बाद इसमें जो मानव रोग हो गए ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हो गया, विविध हो गया, ये सब टॉपिक है इसमें जीव विज्ञान के। केमिस्ट्री में वही रहेंगे, रेडियो हो गया, अम्ल क्षार हो गया, धातु अधातु हो गई, बहुलक हो गए, विस्फोटक हो गए ठीक है, विविध हो गए। और फिजिक्स में तो सिंपल है, जो ध्वनि है, ऊष्मा है, प्रकाश यानी कि लाइट, विद्युत चुंबकत्व और विविध इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो एमपी पटवारी का जो इंग्लिश है उसमें आप चाहे तो पैरामाउंट की इंग्लिश बुक ले सकते हैं या फिर महावीर की। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, चूँकि महावीर की अगर आप लेते हैं तो 2005 से 2020 तक जितने भी प्रश्न इंग्लिश के इसमें पूछे गए वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप पुणे करके व्यापम के सॉल्व पेपर ले सकते हैं, जो कि इसमें 2013 से 2022 तक का पूछा जाएगा, ये अपडेट आप ले सकते हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी दो बुक ले सकते हैं या फिर एक बुक ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सॉल्व पेपर लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप सामान्य जो अंग्रेजी है महावीर की या फिर पैरामाउंट की ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस वही सिंपल सा है इसका। ठीक है, बाकी जो सिलेबस की तरह आर्टिकल होंगे, नाउन होंगे, नंबर होंगे, प्रोनाउन होगा, ठीक है, एडजेस्टिव होंगे, एडजेक्टिव होंगे, वर्ब होंगे, मॉडल होंगे, ठीक है, एडवर्ब और प्रीपोजिशन और कंजक्शन होगा। डिटर्मिनेशन की बात करें तो वही टेंस, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, ठीक है, और अगर हम वॉकअप की बात करें तो आइडोमस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड हो गए, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। तो सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट में जो बुक है वो है तथ्यवान सामान्य हिंदी की, ये बहुत बढ़िया है। अभी तक इसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, और इसकी जो भाषा है वो बहुत सरल है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रेफर करें, ठीक है, ताकि आपका हिंदी बहुत जल्दी कवर हो जाए और अच्छे से कवर हो, क्योंकि ये 25 नंबर का रहेगा और इसके मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए। ल्यूशन की अगर बात करें, अगर ल्यूशन है तो ल्यूशन से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पुराने पेपर के बारे में बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपके पास तथ्यवान है और आपके पास ल्यूशन नहीं है तो उसके बाद आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं सामान्य हिंदी का। अगर आपको ये दो बुक हैं तो आप ये ले सकते हैं अपडेट में। ठीक है, या तो फिर कोई भी एक बुक ले सकते हैं, या फिर या इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सामान्य जो हिंदी है उसका सिलेबस सिंपल है। ठीक है, जैसे कि पूछा जाता है सर्वसंज्ञा सर्वनाम हो गया, ठीक है, तद्भव उपसर्ग हो गए, तत्सम हो गए, देशज विदेशी शब्द हो गए, विराम चिन्ह हो गए, अलंकार हो गया, मुहावरे हो गए, अनेकार्थी वाक्य, ठीक है, वाक्य शुद्धि हो गया, वाक्य विचार हो गए, पल्लवन छंद, इन सब चीज़ों को आपको पूछा जाएगा, पर्यायवाची हो गए। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं जो कि सामान्य हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अंकगणित की। ठीक है, यानी कि मैथ्स की। तो आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। ठीक है, और आप एमपी
करके MPPEB यानी कि पुणे करके आप सामान्य गणित ले सकते हैं, सॉल्व पेपर जो अब तक पूछेगा। देखो बेसिकली 25 नंबर का आएगा ये, तो अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के ही बारे में ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बाकी का क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे। आप या तो पुणे करके ले सकते हैं या फिर महावीर की। अगर आपके आर एस अग्रवाल है तो आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, या अगर आपके आर एस अग्रवाल नहीं है तो इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब हम अंकगणित के बाद यानी कि मैथ्स के बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो आपको रीजनिंग में दिशा पब्लिकेशन का आप चाहे तो ले सकते हैं बुक, ठीक है। और साथ ही इसमें तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद या तो आप व्यापम की या पुणे करके कोई भी तर्कशक्ति की बुक ले सकते हैं, चैप्टर वाइज इसमें सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। और महावीर के आप चाहे तो महावीर की ले सकते हैं, जिसमें अब तक के सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब मैं ये मान के कि 2018 से 2022 तक की जो अपडेट रहेगी उसमें आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मैथ्स की और रीजनिंग की ये बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की, ठीक है। तो अब हम कंप्यूटर के सिलेबस की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के सिलेबस में कंप्यूटर की मूल बातें और कंप्यूटर का इतिहास आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की जानकारी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे, सीपीयू के बारे में, नेटवर्किंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंटरनेट खोज हो गया, माउस डेटा संधारण हो गया, उपकरण पद्धतियां हो गई, ठीक है, खोज यंत्र हो गए, जितने भी इक्विपमेंट हैं इनके बारे में डिटेल पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान की, ठीक है। तो आपके पास अगर ल्यूसेंट है तो आप ल्यूसेंट के साथ जा सकते हैं, ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। और आपके पास टाइम नहीं है तो आप रेलवे की स्पीडी सामान्य अध्ययन की ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कम समय है, 70 डेज ही हैं। तो हम लोग मैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पीडी ले सकते हैं, क्योंकि स्पीडी में अब तक के क्या है, 1992 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जितने भी जीएस के क्वेश्चन बनते हैं यानी कि ल्यूशंस है, वो सारे स्पीडी में आपको मिल जाएंगे। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की ले सकते हैं ल्यूशन की, ठीक है। इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सिंपल सिलेबस है इसका। हिस्ट्री हो जाएगा इंडिया का, ठीक है, इंडिया का और वर्ल्ड का जो है जियोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद विज्ञान एवं पर्यावरण हो गया, भारत का संविधान शासन प्रणाली हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक हो गया, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने बाकी भी कभी एग्ज़ाम में तैयारी करी होगी या नहीं करी है, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना ही है। अगर हम बात करते हैं तो एमपी की, ठीक है, और हम एमपी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमपी पटवारी की, तो ऑब्वियसली जनरल सी बात है कि हम लोगों को कि सामान्य अध्ययन के जो मध्य प्रदेश का ज्ञान है वो पूछा जाएगा। तो अगर उसकी बुक लिस्ट की बात करें तो परीक्षा धाम, मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम में अच्छा विस्तृत तरीके से समझाया हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो महेश बनवाल का भी आप मध्य प्रदेश ले सकते हैं। ये दोनों बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एमपी जीके की, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स के आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ पेपर भी सॉल्व करे हुए दिए हुए 1798, ठीक है। आप तीनों बुक में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं एमपी जीएस के बारे में, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तीनों बुक लो, आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया, उसकी संस्कृति हो गए, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री हो गई, उसकी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही है, जनजातियाँ ऑब्वियसली पूछी जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में जनजातियाँ बहुत सारी है, मध्य प्रदेश के त्यौहार हो गए, उसके लोकगीत हो गए, लोक कलाएँ हो गई, ठीक है। धार्मिक परिवर्तन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जियोग्राफी हो गया, भूगोल मध्य प्रदेश का, तो इसमें वन सबसे पहले आएंगे, इंपॉर्टेंट नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, जलवायु कैसी है यहाँ की, ठीक है, कृषि किस प्रकार की है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन सा है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। संवैधानिक व्यवस्था वही कि मध्य प्रदेश के करंट में राज्यपाल कौन है, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, विविध प्रकार की चीज़ें इसमें रहेगी, संवैधानिक व्यवस्था वो पढ़नी है। साथ में राज्यपाल की डिटेल, मंत्रिमंडल कैसा है, विधानसभा में सीटें कितनी है, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का क्या है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। खास तौर पे आपको जानकारी रखनी है त्रिस्तरीय पंचायती राज की और नगरीय प्रशासन की, क्योंकि हम पटवारी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक के, तो वही इकोनॉमिक जो जनगणना के बारे में बात करेंगे,
इसके प्रमुख उद्योगों के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में और कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, मोस्टली कल्याणकारी योजनाओं की ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर की। तो आप स्पीडी की करंट अफेयर ले सकते हैं। ठीक है, वार्षिक अंक 2022, चूँकि इसमें सारा अब तक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, एमपी का और नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। आर्थिक पुरस्कार हो गए, सम्मान हो गए, ठीक है, समसामयिक की घटनाएं हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। ठीक है, अगर आप स्पीडी नहीं लेना चाहते तो तथ्य भंडार ले सकते हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, आपको इसमें भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट जानकारी। और अगर आपके पास दृष्टि करंट अफेयर है तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके करंट अफेयर की। तो वही महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, स्थान कौन सा है, अभी लेटेस्ट में भारत में कौन कौन से खेल संस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश में खेल संस्थाएं कौन सी है, कौन से पुरस्कार हुए मध्य प्रदेश में, प्रमुख खेल प्रतियोगिताएँ कौन कौन सी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सामान्य प्रबंधन। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सामान्य प्रबंधन की। ठीक है, सामान्य प्रबंधन की आप पुणेकर की ले सकते हैं, महावीर की ले सकते हैं, या फिर APL की। ठीक है, सामान्य प्रबंधन के लिए। ठीक है, इसके सिलेबस की बात करें हम लोग, तो सिलेबस बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सामान्य प्रबंधन क्या है, इसका परिचय, सिद्धांत, नियंत्रण, नियोजन, नियुक्तिकरण की बात करता है। ठीक है, इसमें व्यवसाय यानी कि बिजनेस और उसमें लगने वाले वित्त की बात करता है। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण की बात करता है। तो सिंपल से कुछ टॉपिक्स हैं जिनको इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, ये भी कुछ ये भी 25 नंबर का ही होगा, 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पटवारी में तो अब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा और जुड़े रहिए पटेल एकेडमी के साथ। हम जल्द ही हिंदी, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और सामान्य प्रबंधन की क्लासेस अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पटेल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।